आई होप आप सब ठीक होंगे गाइस। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन पेपर देख लिए होंगे। अगर ये बेसिक वाले आप देख रहे हो तो वेल एंड गुड है। एक चीज याद रखना, जो भी मैं इस वीडियो में जितने भी टॉपिक बताऊंगा सिर्फ वो टॉपिक करके जाना है आपको, ओनली वो टॉपिक करके जाना है, उतना ही इनफ है। और उतना मैं बता रहा हूँ आपको 35 प्लस के लिए बहुत बड़ी चीजें होगी, आप उतना टॉपिक कर लेना। देखो गाइस, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको जो क्वेश्चन पेपर है, ये चीज बताता हूँ कि आपको सबसे पहले देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है यहाँ पे सीधा सिंपल है, आप जानते हो इसका फैक्टर करना, इसका फैक्टर करना बहुत इजी है। यहाँ पे इसके भी यहाँ पे भी बहुत इजी, एक्स निकालना। इट मींस कि देखो आपके पास चैप्टर नंबर 4 चैप्टर नंबर 5 दोनों मिला के 10 मार्क्स के हो गए। अब देखो चैप्टर 5 से क्या आएगा आपका, ये आएगा तो यहाँ से आप थोड़ा सा डाउनवर्ड हो सकते हो, क्योंकि केस आप सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 के जो रियल नेचर रूट्स है, जो नेचर रूट्स है उसे कर लो, आपके वहां से पेपर जरूर मिलेंगे। जैसे आप क्वेश्चन पेपर में यहां पर देख लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये समझ आ गया। एक आएगा यहां पे, ये तो स्टैंडर्ड वाले के लिए क्वेश्चन बनता है कि इसकी जो वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है, के की वैल्यू, ये स्टैंडर्ड वालों के लिए बनता है। फिर आप देखो सरफेस एरिया के वॉल्यूम की बात करते हैं, जो चैप्टर नंबर 13 आपको बताया ये कितने का है, 6 मार्क्स का है। गाइस अगर बता रहा हूं, अगर आप इसमें से सिलेंडर प्लस में कौन प्लस में कौन प्लस में स्फेयर अगर इतना कर लेते हो तो आपका बहुत पूछा गया था एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।